अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ओ सुमन दीदी बस बस हाँ, बहुत हुआ। अब तो आप ये नौटंकी बंद कर दो और साफ साफ बता दो कि आप इस कार्टून को कहाँ से उठा कर लाई है जिसे आप अंशुमन भैया की जगह दे रही है। वो हम इन्हें जेट को कार्टून बुलाने की प्रथा कब से शुरू हो गई घर में? आंचल जी, जब भैया सामने खड़े हो तो भाभी से क्या पूछ रही है? अरे हमसे पूछिए, हम बताते हैं क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो हुआ यूं, उस जाली मैक्सीडेंट ने हमारे हाथ पांव को बुरी तरह तोड़ दिया था। अरे 2-3 महीने तो हम खटिया पे पड़े रहे और जब होश आया तो खुद को गुंडों के बीच में पाया। अब गुंडों ने सेवा तो बहुत की हमारी, लेकिन हमारी भाषा भूषा सब बदल दिया। फिर हमारी याददाश्त भी चली गई थी तो गुंडों ने हमें उसी वैद्य के हवाले कर दिया जिसके पास सुमन माँ के इलाज की बात करने आई थी। अब वैद्य जी ने हमारी याददाश्त भी लौटा दी और सुमन भी। और फिर तो दी एंड। अगर और कोई सवाल जवाब करना हो तो सभा खाने के बाद बिठाएंगे। वो कहा है ना कि अभी चूहों ने हमारे पेट में सभा बिठा रखी है, बहुत जोर भूख लगी है। अब इतने दिनों बाद घर आए हैं तो घरवाली के हाथ का कुछ खा लें। तो चलें सुमन डार्लिंग। चलिए आते हैं। ये जो कूदने फांदने वाली हरकत है ना, ये तुम्हें बंद करनी होगी। इस घर में ये सब नहीं चलेगा। थोड़ा कम बोला करो, लंबे लंबे रिप्लाई मत दिया करो और उस आंचल के मुंह तो कभी। तुम यहाँ क्यों खड़े हो गए? हमने तुमसे कहा ना 10 कदम दूर। और ये गाजर धोकर तो खा लेते ऐसी। क्या करें मैडम जी, आपकी ब्यूटी 10 कदम दूर। क्या है ना, आपसे दूर रहना इम्पॉसिबल हो गया। ना ही आपकी ब्यूटी हमें आपसे दूर रहने देती है और ना ही हमारी हस्बैंड की ड्यूटी। गाजर खाएंगी? देखिए, अगर आप गाजर खाएंगी तो आपकी नजरें तेज हो जाएंगी। क्या पता आपको हम में वो दिख जाए जो बाकी लड़कियों को दिखता है। हीरा हीरा छोड़ो, हमें ये बताओ, हमने तो दादाजी के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया था, उनके बारे में तुम्हें कैसे पता? अरे घर का सबसे बूढ़ा आदमी हाथ में लकड़ी लिए दादाजी नहीं होगा तो क्या भतीजा होगा? कैसी बातें करती हैं आप सुमन जी। अच्छा एक बात बताइएगा, माँ कसम खा के हमारी एक्टिंग कैसी लगी आपको? कर दिया ना सबको चारों खाने चित। जब तुम घर वालों से मिल रहे थे तो हम एक पल के लिए लगा कि हमारे अंशुमन जी हो तुम। अच्छा एक बात पूछें, अंशुमन जी थे जिनसे आपको लबालब लब हो गया था? थे नहीं, हैं। हमारे अंशुमन जी हैं और वो जिंदा है। हाँ। वो जरूर वापस आएंगे बंटी। आएंगे आएंगे, अंशुमन जी वापस आएंगे। वो अपनी सुमन का दिल नहीं तोड़ेंगे, हमारे पास जरूर आएंगे वो। का बीमारों वाला खाना बनाई हो, इससे अच्छा तो एक गाजर ही ठीक है। एक्टिंग तो आती नहीं, कंप्लेंट्स करा लो, गाजर खा के आ जाना। ए मैडम जी, कहाँ चल दी? माना के शादी नकली है लेकिन एक्टिंग तो असली करनी पड़ेगी ना, और उसके लिए तो आपको यहीं टिकना पड़ेगा। चलिए। जाएगी ताबड़तोड़ नींद। अरे वहां कहां खड़ी है? यहां आइएगा बगल में। अरे गुर्रा काहे रही? मां कसम उंगली तक नहीं लगाएंगे आपको। नो टचिंग, ओनली वॉचिंग। अरे अरे रुकिए मैडम जी। अरे अगर ये वाकई बिग बे है तो इन दोनों को अलग अलग कमरे में सोने की क्या जरूरत है? कुछ तो गड़बड़ है।
सर आप ये क्या कर रहे हैं? पानी बहुत गर्म है, हमारा पैर जल रहा है। सर प्लीज निकलवाइए यहाँ से, बचाओ। सर हमारी बात मानिए सर, हमने कुछ नहीं किया, हमें कुछ नहीं मालूम है सर। अबे रुको, और पहले हमारे सवालों के जवाब दो। कंपनी में इतना झोल झपाटा चल रहा है, कहाँ है बे? अबे बताते हो या फायर और बढ़ाए? हमें कुछ नहीं मालूम है सर। सर हमने कोई घपला नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया सर, हमें जाने दीजिए, हमें छोड़ दीजिए सर। हमने क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं? बहुत गर्म है सर पानी। ये क्या कर रहे हैं? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? बस बोलो स्टॉप। अबे बड़के भैया से बात करने का तमीज गिरवी रख के आए हो या डकार मार के निकल लियो? देखो ये सब, अरे देखो तुम छोटे मियाँ, कंपनी में गजब झोल झपाटा चल रहा है और तुम्हें भनक तक नहीं है। अंशुमन जी आप हमारे साथ चलिए, हमें कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, आइए। अरे अरे क्या कर रहे हैं? ये क्या नया तमाशा लगा रखा है बंटी? हमने तुमसे कहा था ना, इन लोगों से जितनी जरूरत हो उतनी बात क्या करो। पति को क्या कर रहे हो तुम? देख करना पड़ा मैडम जी, करना पड़ा, झूठ को सच दिखाने के लिए करना पड़ा। फिर आपके अंशुमन जी होते तो वो भी तो यही करते ना। देखो अपना दिमाग मत लगाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जितना हमने कहा है बस उतना करते जाओ, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। क्या नहीं समझे? देखिए आपका गुस्सा, आपका डांट डपट कुछ समझ नहीं आया हमें। अरे क्या से बोलिए, ताबड़तोड़ झप्पी दीजिए, वो शायद बंटी कुछ समझ जाए। देखो बंटी। अरे फिर वही गुस्सा। देखिए आप बंटी को है ना, ये गुस्सा का भाषा पल्ले नहीं पड़ता है। चलते हैं, अभी रखिए अपना डॉक्यूमेंट। अंशुमन जी। नंदन जी यहाँ ना दाल में कुछ खाना नहीं, यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। तुम्हारा विश्वास जीत गया, हमारा अंशुमन वापस आ गया। नहीं पापा, हम आपको कैसे बताएं कि ये आपके अंशुमन नहीं है। पता नहीं जब ये सच सबके सामने आएगा तो हम सबसे नजरें कैसे मिला पाएंगे।